तो इस वीडियो में बात करेंगे जो एएलपी का पेपर हुआ है 9 अगस्त का, उसके सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो स्टडी आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आप व्हाट्सएप नंबर ये है, यदि आपको भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बता सकते हैं, जिनसे सभी मित्रों की मदद हो जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों आपको सर्च करना है प्रमोद राणा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा। और आप कोर्सेज भी देख सकते हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, ये आप डेमो के रूप में देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बीपी यानी जो ब्लड प्रेशर होता है इसका कितना मान होता है, तो 80 से 120 एमएम मिलीमीटर ऑफ एचजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक कितनी आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया। तो इंडिया की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें रैंक कितनी आई है, 133 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की भ्रष्टाचार सूची में रैंक कितनी आई है, तो इंडिया की भ्रष्टाचार सूची में रैंक कितनी आई है, 81 आई है। तो आप देख सकते हैं ये करंट अफेयर भी किस तरह का पूछ रहा है, तो आप जितने भी जाओ आगे एग्जाम्स हो रहे हैं उस अनुसार आप इस तरह तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा फाइलम या संघ कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोपोडा हो जाएगा। तो ऑर्थोपोडा, देखिए उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वान सीबोल्ड ने 1845 ईस्वी में किया था, जिसका अर्थ क्या होता है, संयुक्त उपांग हो जाएगा। अर्थ्रोन का क्या होता है, जॉइंट पोडोस यानी क्या हो जाएगा, फूट हो जाएगा। यानी यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में लगभग 10 लाख जंतु हैं जो पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र में 8 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से आहार नाल के तीन स्थानों पर होता है, अमाशय में होता है यानी स्टोमक में होता है, पक्वाशय में या होता है यानी ड्यूडेनम में होता है, और शेषांत्र यानी इलियम में होता है। ये जानकारी की भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एंजाइम कहाँ बनते हैं, तो एंजाइम कहाँ बनते हैं, जो राइबोसोम होता है उसमें एंजाइम संश्लेषण का प्रमुख स्थान होता है, यानी कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसमें एंजाइम के संश्लेषण का प्रमुख स्थान कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आरबीसी से रिलेटेड पूछा था कि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 डेज। जैसा कि दोस्तों आप यदि पिछले वीडियोस देख के गए थे तो उनमें मैंने सभी ये जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड पूरी चर्चा की थी, और आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एग्जाम वॉरियर किसने लिखी थी ये पुस्तक, तो जो एग्जाम वॉरियर पुस्तक है ये किसने, नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी। करंट का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 किसने जीता था, तो ये किसने, रोजर फेडरर ने जीता था। ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, ये भी आप जानकारी अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए नोबेल प्राइज 2018 लिटरेचर में किसको मिला था, तो नोबेल प्राइज 2018 नहीं दोस्तों, 2017 जो भी अभी मिला था लास्ट टाइम, ये लिटरेचर में किसको मिला था, तो ये काजियो इशिगुरो को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस करंट पर काम करता है, तो जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल यंत्र है जो किसी भी वैल्यू के एसी वोल्ट को उससे कम या ज्यादा किसी भी वैल्यू के एसी वोल्ट में बदल सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ट्रांसफार्मर एक एसी वोल्ट कन्वर्टर यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नागालैंड के सीएम कौन हो जाएंगे, तो नागालैंड के सीएम कौन हो जाएंगे, नेफ्यू रियो हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको किस तरह करना है, जो प्रेजेंट में कोई राज्य में चुनाव हुए या फिर चुनाव होने हैं तो उनके मुख्यमंत्री हुए, उनके राज्यपाल हुए, उनको आप अच्छे से करके जाइए। अब नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए एक क्वेश्चन ये आया था उषा से, तो एमडी और सीईओ है अलाहाबाद बैंक की, कौन, हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडिया इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए की हो जाएंगी। उषा के से रिलेटेड आया था, तो उषा वास इलेक्टेड आईबीए चेयरमैन फॉर द ईयर ऑफ 2017-18 बाई इट्स मैनेजिंग कमेटी ऑन 25 जनवरी हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आप अच्छे से याद रखें, इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा था, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की राजधानी पूछी थी,
तो मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कुआला लंपुर हो जाएगी। और ये पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे, तो ये कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट में हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कौन से नंबर के हुए थे? 21वें नंबर के हुए थे। और 22वें नंबर के कहाँ पर होंगे? तो 22वें नंबर पे इंग्लैंड के बर्मिंगम में होंगे। ये भी आप जानकारी को अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों ये मेरे पास तो इतने ही क्वेश्चन थे, और भी यदि पता हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए या फिर व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी बता सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप अनअकैडमी पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।